Assalamualaikum, students. आज हम lecture number 9, size reduction equipment, CAN 1104 particular technology में. Further हम already कुछ size reduction equipment पढ़ चुके हैं. आज हम मज़ीद कुछ further size reduction equipment के बारे में जानेंगे. आज के lecture में हम वो classification जो already आप लोग जानते हैं, उसको एक दफा दोबारा देखेंगे. टम्बलिंग मिल्स हमारा आज का स्पेशल टॉपिक होगा और खास तौर पर टम्बलिंग मिल्स में हम बॉल मिल को डिटेल से पढ़ेंगे. यूज़ ऑफ बॉल मिल चेक करेंगे. एक आपको एग्जांपल शो करूंगा कि कॉनिकल बॉल मिल किस तरीके से ऑपरेट करती है. मूवमेंट ऑफ द बॉल्स इनसाइड द कॉनिकल बॉल मिल, सिमुलेशन ऑफ बॉल मिल, कुछ वीडियोज हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा. फिर आपको सीमेंट बॉल मिल जो है वो दिखाऊंगा. उसके अलावा मैं आपको जो है सीमेंट जो वीडियो है उसकी एक वो भी दिखाऊंगा. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कमर्शियल बॉल मिल एक वीडियो है आपसे शेयर की जाएगी. अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स और कटर्स जस्ट रीजन है, हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में इसको कवर कर चुके हैं. साइज रिडक्शन इक्विपमेंट ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि इनको हम क्रशर्स, ग्राइंडर्स, अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स और कटिंग मशीन्स में जो है इनको डिवाइड करते हैं. तो साइज रिडक्शन इक्विपमेंट होते हैं वो ऑलरेडी आप जानते हैं कि वो हमारे पास जो है उसमें क्रशर्स, ग्राइंडर्स, जो अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स और कटिंग मशीन्स हैं उनके अंदर आपके पास सब टाइप्स हम देख चुके थे. आज हम खासतौर पर ये जो टम्बलिंग मिल्स हैं इनकी टाइप्स को हम देखेंगे. टम्बलिंग मिल्स में बॉल मिल होती है, टेबल मिल, रॉड मिल, क्यूब मिल, कंपार्टमेंट मिल. ये जो बॉल मिल्स हैं इनका मेन ऑपरेशनल मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सिमिलर है, उनकी कुछ और कंस्ट्रक्शन के अंदर चेंजेस हैं. हम जो है सिर्फ बॉल मिल को डिटेल से पढ़ेंगे कि बॉल मिल किस तरीके से उसकी कंस्ट्रक्शन है, वो कैसे ऑपरेट होती है. बॉल मिल के अंदर हम डिटेल से उसकी एप्लीकेशन देखेंगे. बॉल मिल एक स्टील शेल के ऊपर मुश्तमिल होती है और जो उसका स्टील शेल है आपका बॉल मिल्स का उसकी जो इंटरनली वो स्टील शेल उसकी लाइनिंग की जाती है. लाइनिंग का क्या मतलब है, देखिए आप जैसे आप प्लास्टिक का कवर चढ़ा देते हैं अपनी कॉपियों को, कॉपियों के प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये एक तरह की लाइनिंग है. अब आप देखिए अपने आप जो ड्रेस शर्ट्स परचेज करती है उन ड्रेस शर्ट्स के अंदर कॉलर की तरफ एक अलग से कपड़ा लगा होता है, वो प्रोटेक्शन होती है क्योंकि कॉलर जल्दी खराब हो जाती है, उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए वो एक लाइनिंग हुई भी है. तो हमारे पास जो बॉल मिल है उसके अंदर जो स्टील शेल पर मुश्तमिल होती है बॉल मिल, उस स्टील शेल की इंटरनली उस स्टील शेल को डैमेज से बचाने के लिए, एक अच्छी ड्यूरेबिलिटी देने के लिए उस स्टील शेल की लाइनिंग की गई होती है. और लाइनिंग के लिए जो मटेरियल्स यूज की जाती हैं उसमें हाई कार्बन स्टील प्लेट है, पोर्सलिन है, सिलिका रॉक या रबर, ये इनमें से कोई मटेरियल यूज किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड मटेरियल ऑफ योर बॉल्स एंड द फीड मटेरियल यूज्ड. आपकी बॉल मिल की एप्लीकेशन पे डिपेंड कर रहा होगा किस किस्म की लाइनिंग आपकी बॉल मिल में इंटरनली की गई है. जो बॉल मिल है उसके अंदर जो आपके पास ग्राइंडिंग मीडियम होता है, यानी कि जिस चीज की मदद से बॉल मिल के अंदर ग्राइंडिंग हो रही है वो उसको हम ग्राइंडिंग मीडियम कहते हैं. और वो आपकी या तो बॉल्स होंगी या वो जो है कोई चेन्स होंगी, मेटालिक चेन्स होंगी. बॉल्स किस किस्म की हो सकती हैं, बॉल्स आपके पास उसमें मेटालिक हो सकती हैं, रबर की हो सकती हैं, वुड की हो सकती हैं. बॉल मिल में आप मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल यूज नहीं करेंगे बॉल्स के, आप एक ही किस्म का मटेरियल एक वक्त में इस्तेमाल कर रहे होंगे, यानी कि या तो आप मेटालिक बॉल्स यूज करेंगे या रबर की यूज करेंगे या वुड की यूज करेंगे या किसी और किस्म की मटेरियल की बॉल्स यूज करेंगे, लेकिन मिली मुख्तलिफ किस्म की एक ही वक्त में यूज नहीं करेंगे. बॉल मिल्स को बेसिकली हम एब्रेसिव मटेरियल्स की साइज रिडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं. और जब आपने इंटरमीडिएट या फाइन पार्टिकल्स ऑब्टेन करने हो, अगर आपने इंटरमीडिएट और फाइन पार्टिकल्स ऑब्टेन करने हो तो आप एब्रेसिव मटेरियल्स की साइज रिडक्शन करने के लिए जो है
बॉल मिल्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बॉल मिल्स को हम कॉन्टिन्यूस और बैच प्रोसेस, दोनों प्रोसेस के लिए हम बॉल मिल को इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉल मिल जब ऑपरेट होती है बॉल मिल, तो बॉल मिल के जो ऑपरेशनल का तरीका कार है वो क्या है कि जब आप बॉल मिल को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से बॉल मिल का जो शेल है वो रोटेट करना शुरू कर देता है, और शेल की रोटेशन की वजह से जो उसके अंदर मौजूद बॉल्स हैं यानी कि जो ग्राइंडिंग मीडिया है, वो जो ग्राइंडिंग मीडियम है वो आपकी बॉल के शेल के साथ कॉन्टेक्ट करते हुए तकरीबन टॉप तक चला जाता है, और फिर वो टॉप तक पहुंचने के बाद टॉप से फिर गिरता है नीचे पार्टिकल्स पर और पार्टिकल्स को ब्रेक कर देता है। बॉल मिल के अंदर हमारे पास जो साइज रिडक्शन हो रही है, वो साइज रिडक्शन का जो मेन मैकेनिज्म है वो इंपैक्ट है। बेसिकली क्या हो रहा है कि आपकी जो बॉल्स इन कॉन्टेक्ट विद द शेल ऑफ द बॉल मिल वो ट्रेवल करती है टॉप तक, और फिर ये ग्राइंडिंग मीडियम बॉल्स जो टॉप से नीचे गिरती हैं, तो इनके इस गिरने की वजह से इंपैक्ट फोर्स लगती है, इंपैक्ट क्रिएट होता है जो कि आपके फीड को ब्रेक कर देता है। हमारे पास जो कोनिकल बॉल मिल होती है, उस कोनिकल बॉल मिल के अंदर आपके पास 60 डिग्री से फीड एंटर होती है प्राइमरी ग्राइंडिंग जोन में, जहां पे मेन ग्राइंडिंग हो रही है, और आपका जो प्रोडक्ट है वो 30 डिग्री राइट साइड से वो प्रोडक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। बॉल मिल में आप एक ही मटेरियल की बॉल्स यूज करते हैं, लेकिन बॉल्स डिफरेंट डाया ऑफ बॉल्स आप यूज करते हैं। नॉर्मली आपके पास क्या होता है, 3 डिफरेंट डाया की बॉल्स होती हैं आपके पास, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, तो आप इन तीन, लेकिन उनका मटेरियल सबका बॉल्स का एक ही होगा। होता क्या है कि जब आपके पास शेल बॉल मिल का रोटेट करना शुरू करता है तो जो लार्जर बॉल्स होती हैं वो मैक्सिमम डायामीटर तक चली जाती हैं। मैक्सिमम डायामीटर तक इसलिए चली जाती हैं कि आपके पास मोमेंटम की वजह से, क्योंकि देखिए जब आपके पास बॉल मिल चल रही है तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो मोमेंटम है बॉल मिल का, जैसे मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो जब आपकी शेल रोटेट हो रहा है तो शेल की वजह से तो आपकी जो लार्ज बॉल्स है वो लार्ज बॉल्स आपकी शेल के साथ रोटेट करती हुई मैक्सिमम डायमीटर तक पहुंचती है, और जबकि जो स्मॉल बॉल्स है वो स्मॉलर डायमीटर तक जाएंगी, और जो स्मॉलर बॉल्स होंगी उनकी कोशिश होगी वो डिस्चार्ज की तरफ सफर कर रही होती है, वो डिस्चार्ज की तरफ मूव कर रही होती है। तो आपकी स्पीड एंटर होती है बॉल मिल के अंदर, उसकी जो इनिशियल ब्रेकिंग होगी, इनिशियल साइज रिडक्शन होगी, वो आपके इंपैक्ट की बदौलत लार्जेस्ट बॉल्स जो टॉप से आपकी लार्जेस्ट बॉल गिरती हैं मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करते हुए, उसकी वजह से आपकी मैक्सिमम साइज रिडक्शन होगी, और वही इनिशियल आपकी फीड ब्रेक हो जाएगी। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली जब आपके पास इनिशियल ब्रेकिंग हो गई फीड की, फीड ने आप जो आपकी ग्राइंडिंग मीडियम बॉल्स था, बॉल्स टॉप से वो जब नीचे गिरी, इंपैक्ट की वजह से आपकी इनिशियल फीड की ब्रेकिंग हुई, और इनिशियल ब्रेकिंग की वजह से जो फीड है वो फ्रेगमेंट स्मॉल पार्टिकल्स में रिड्यूस हो गई। जब ये आपके आप स्मॉल पार्टिकल्स आपकी भी पाउडर बनाना चाहते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स फिर फर्दर जो है स्मॉल बॉल्स की वजह से वो रिड्यूस होते हैं। स्मॉल बॉल्स क्या करेंगी, वो कम डिस्टेंस कवर करेंगी, और उसके बाद उनकी वजह से आपके पास जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो फर्दर उनकी साइज रिडक्शन होगी। अब देखिए बॉल मिल के अंदर आपके पास जो ग्राइंडिंग मीडियम या ग्राइंडिंग यूनिट्स हैं, यानी कि जो बॉल्स हैं, उन बॉल्स को टॉप तक लेके जाने के लिए, उसको उठाने के लिए, शेल के साथ उठाने के लिए आप एनर्जी यूज कर रहे होती हैं, और ये जो एनर्जी आप यूज करती हैं, ये एनर्जी फिर कन्वर्ट हो जाती है कि आप इसको दोबारा यूटिलाइज करते हैं
कि जब वो टॉप से नीचे गिरती है और पार्टिकल्स की साइज रिडक्शन होती है उसमें ये एनर्जी यूज होती है। बॉल मिल्स के अंदर बहुत बड़ी इतना ज्यादा होती है बॉल्स उसके अंदर कि अगर आपके पास मिल को रोक दिया जाए, मिल को आप अगर खड़ी हो उसके मटेरियल ना हो तो खाली जो बॉल्स हैं वो आपके बॉल मिल का हाफ वॉल्यूम होगा। अप्रोक्सीमेटली योर बॉल मिल विल कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट वन हाफ ऑफ द बॉल्स। क्या आपके पास यानी कि जो बॉल्स होंगी उनका वन हाफ जो वॉल्यूम होगा आपके पास जो बॉल मिल का टोटल वॉल्यूम होगा उसका वन हाफ जो वॉल्यूम है वो बॉल्स पर मुश्तमिल होगा। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द बॉल मिल जब आपकी बॉल मिल रोटेट कर रही होती है तो बेसिकली हो क्या रहा है कि आपकी जो बॉल्स है वो शेल की रोटेशन की वजह से शेल इन बॉल्स को पिक करता है। शेल जब इन बॉल्स को पिक करता है तो फिर ये आपकी बॉल्स और जो शेल है वो कॉन्टेक्ट में आ जाती है और इस कॉन्टेक्ट की वजह से जो बॉल्स है वो रोटेट करती हुई टॉप तक चली जाती है। फिर टॉप पर पहुंचने के बाद ये जो बॉल्स है अपना कॉन्टेक्ट ब्रेक करती हैं शेल के साथ या बॉल ऑफ द बॉल मिल के साथ और फिर ये टॉप से बॉटम पे गिरती है, इंपैक्ट क्रिएट करती है। उसके बाद दोबारा क्योंकि शेल कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रहा है दोबारा ये बॉल्स शेल पिक कर लेगा इन बॉल्स को, ये शेल के साथ रोटेट करती हुई टॉप पर जाएंगी, टॉप से फिर नीचे गिरेंगी, इंपैक्ट करेंगी, साइज रिडक्शन करेंगी, फिर शेल इनको पिक कर लेगा। ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। अब बेसिकली है क्या कि आपके पास टॉप से जब ये गिरती है तो उसकी वजह ये होती है कि आपके पास फोर्सेस के बैलेंस की वजह से, हम उसकी मजीद बात करेंगे आगे कि किस तरीके से वो टॉप से गिरेगी। बॉल मिल के ऑपरेशन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। बेसिकली ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये बॉल्स को बॉल जो आपकी बॉल मिल की शेल है या उसकी वॉल है उसके साथ कॉन्टेक्ट में रखती है। होता क्या बेसिकली कि आपके पास जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां से आती है, क्योंकि सेल आप शेल आपका रोटेट कर रहा है, शेल की रोटेशन की वजह से बॉल्स भी सेंट्रीफ्यूगली रोटेट करना शुरू कर देती हैं। अब लेकिन आपके पास पता है कि बॉल्स के पास एक अपनी फोर्स होगी, वो फोर्स क्या है, Wf is equal to mg, जो उसकी बॉल की वेट फोर्स है यानी कि F is equal to mg। जब ये फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा हो जाती है तो बॉल्स मैक्सिमम डायमीटर पर जाकर गिर जाती हैं और वो अपना कॉन्टेक्ट ब्रेक कर देती हैं। तो एट द मैक्सिमम डायमीटर आपकी जो वेट फोर्स है बॉल्स की वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ज्यादा हो जाएगी और वो बॉल्स अपना कॉन्टेक्ट बॉल के साथ या शेल ऑफ द बॉल मिल के साथ तोड़ देगी और आपकी जो बॉल्स है वो टॉप से नीचे गिरेंगी, आपकी फीट जो है वो ब्रेकअप होगी और जो फ्रेगमेंट्स बनेंगी वो फर्दर जो है वो रिड्यूस होगी। जो प्रोसेस कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, फिर जो बॉल्स आपके टॉप से बॉटम पे गिर रही हैं वो कॉन्टिन्यूसली दोबारा पिक करती रहती हैं, दोबारा टॉप पे जाती है, दोबारा गिरती रहती हैं, ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। अच्छा, मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास जो मैक्सिमम इनिशियल साइज रिडक्शन है बेसिकली वो आपकी जब टॉप से बॉल्स नीचे गिरती हैं, इंपैक्ट क्रिएट करती हैं, उस वक्त आपकी मैक्सिमम साइज रिडक्शन होती है। लेकिन कुछ फर्दर साइज रिडक्शन भी होती है, वो फर्दर जो साइज रिडक्शन है बेसिकली वो कैसी होगी कि जो बॉल्स हैं आपकी बॉल मिल में वो जो है कुछ मजीद ग्राइंडिंग करती हैं बाय स्लिपिंग एंड रोलिंग ओवर। यानी कि वो क्या करेंगी कि वो, अभी आप वीडियो में भी देखेंगे कि वो जो बॉल्स हैं वो स्लिप करती रहेंगी, एक दूसरे के ऊपर रोल करती रहेंगी, जिसकी मदद से कुछ फर्दर जो है आपकी साइज रिडक्शन होगी। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द साइज रिडक्शन है, मेजर जो साइज रिडक्शन है बेसिकली वो इंपैक्ट की वजह से होगी कि जहां पर आपके बॉल गिर रही हैं उस एरिया में मैक्सिमम साइज रिडक्शन होगी। फर्दर उसके बाद जब आपके पास स्लिपिंग और रोलिंग की वजह से आपकी मजीद ग्राइंडिंग होगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉल्स अपना कॉन्टैक्ट टॉप पर कैसे छोड़ती हैं, तोड़ती हैं,
कि जब वेट फोर्स जो है बॉल्स की वो ज्यादा हो जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से तो वो अपना कॉन्टैक्ट तोड़ देती है, लेकिन अगर खुदा ना खासा आपकी बॉल मिल बहुत ज्यादा स्पीड पर रोटेट कर रही है, बहुत ज्यादा स्पीड पर रोटेट करने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और जो बॉल्स की वेट फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कम ही रहती है, जिसकी वजह से आपकी जो बॉल्स है वो अपना कॉन्टैक्ट तोड़ नहीं पाती और बॉल्स कॉन्टिन्यूसली इन कॉन्टैक्ट विद द बॉल या शेल ऑफ द बॉल मिल, वो जो है आपकी बॉल्स दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द शेल और द वॉल ऑफ द बॉल मिल, जिसकी वजह से आपकी साइज रिडक्शन रुक जाती है, बॉल सिर्फ रोटेट करती रहती है शेल के साथ साथ, किसी किस्म की वो इंपैक्ट फोर्स क्रिएट नहीं होती, वो टॉप पर जाकर नीचे नहीं गिरती। इस हालत का नाम, जब ऐसी हालत आ जाए, हम कहते हैं योर बॉल मिल इज सेंट्रीफ्यूजिंग, योर बॉल मिल इज इन द स्टेट ऑफ सेंट्रीफ्यूजिंग, तो इसको आप सेंट्रीफ्यूजिंग स्टेट कहते हैं। अच्छा, अब देखिए कि ये जो सेंट्रीफ्यूजिंग है, जिस सेंट्रीफ्यूजिंग क्या स्टेट है कि जिस स्टेट पर आपकी जो बॉल्स हैं वो उनकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम है और उनकी वेट फोर्स कम है और वो अपना जो कॉन्टैक्ट है शेल के साथ उसको ब्रेक नहीं कर रही और शेल के साथ साथ ही रोटेट कर रही है, इस स्टेट का नाम सेंट्रीफ्यूजिंग था। जिस स्पीड पर आपकी सेंट्रीफ्यूजिंग हो रही होगी, यानी कि अब आपकी एक शेल है जिस स्पीड है, एक पर्टिकुलर स्पीड होगी बॉल मिल की, शेल की वो जो रोटेशनल स्पीड है, जो आरपीएम है, जिस आरपीएम पर आपका बॉल मिल का शेल रोटेट कर रहा है, जब आपके पास सेंट्रीफ्यूजिंग हो रही होगी तो वो जो आरपीएम होंगे आपके, वो जो स्पीड होगी आपकी शेल की, जिस स्पीड पर आपकी सेंट्रीफ्यूजिंग हो रही होगी, उस स्पीड को हम क्रिटिकल स्पीड कहते हैं। So the critical speed is the speed at which the centrifuging takes place. This critical speed is unwanted. हमें नहीं चाहिए। ये critical speed जो है आपकी size reduction को रोक देती है। Due to the critical speed, आपकी size reduction रुक जाती है। Energy का wastage होता है। Unwanted phenomena है। So we should know the critical speed of the ball mill. But critical speed is unwanted and this critical speed is the speed at which the centrifuging is taking place. अच्छा, अब जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि basically आपके पास जैसे वो वेट फोर्स लग रही होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस है, तो आप ऑलरेडी एफएससी की फिजिक्स में ये पढ़ चुके होंगे बैलेंसेस किस तरह से फोर्स बैलेंस लगाती हैं। हम ये डेरिवेशन नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन मैं आपको जनरल फॉर्मूला दिखा रहा हूं कि आप ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की मदद से हम बैलेंस लगाकर, उनका फोर्स बैलेंस लगाकर हम क्रिटिकल स्पीड यानी कि n सबस्क्रिप्ट c, क्रिटिकल स्पीड ऑफ द बॉल मिल इज रिप्रेजेंटेड बाय n सबस्क्रिप्ट c, उसका जो फॉर्मूला है वो है n सब c इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ g ओवर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इसके अंदर जो जी है ये छोटा, ये तो पाई है आप जानते हैं 3.1416, ये जो जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो ये कैपिटल आर है, ये जो कैपिटल आर है ये रेडियस ऑफ द बॉल मिल है, और ये जो स्मॉल आर है दिस इज द रेडियस ऑफ द ग्राइंडिंग मीडियम यानी कि बॉल्स। अब आपके पास क्या होगा कि आप बेसिकली जब ये सारी बॉल्स आपकी जितनी मौजूद होगी उनका आप डायमीटर ऐड अप करते हैं, उसके लिए स्पेशल फॉर्मूला होता है, तो वो उसकी मदद से आप आर कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी कि ग्राइंडिंग मीडिया आपके पास है उसका, आपके पास बॉल्स का रेडियस होगा और कैपिटल आर आपका मिल का शेल का वो रेडियस है, और इस एक्सप्रेशन की मदद से आप क्रिटिकल स्पीड जो अनवांटेड स्पीड है वो मालूम कर लेते हैं। व्हाई यू नीड द क्रिटिकल स्पीड, सो दैट यू कैन नो at which speed you should never run your ball mill. Iska matlab hai, asal mein aapki jo ball mill operate ho rahi hogi, it will be operated well below the critical speed. So basically the actual operating speed jo n hoti hai ball mill ki, it should be less than critical speed of the ball mill.
तो जनरली जो आपकी बॉल मिल्स होती हैं, दे आर ऑपरेटेड अराउंड 65 to 80% ऑफ द क्रिटिकल स्पीड, यानी कि जो आप क्रिटिकल स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं उस क्रिटिकल स्पीड की 65 to 80% इसको रन करना चाहिए, तो इट शुड बी लेस देन द क्रिटिकल स्पीड। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको बात बताई है कि आप जब बॉल मिल को 65 to 80% ऑफ द क्रिटिकल स्पीड उसको ऑपरेट कर रहे होती है, ये ड्राई सॉलिड्स के लिए नॉर्मली ऐसा है। अगर आपके पास वेट ग्राइंडिंग आप करना चाह रहे हो, वेट ग्राइंडिंग कब की जाती है, खास तौर पर अगर आपके पास एक्सप्लोसिव मटेरियल्स हैं, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स अगर हो हमारे पास जिनकी आप ग्राइंडिंग की जा रही है, तो आप देख रहे हैं जब इंपैक्ट लगता है बॉल मिल का, उस इंपैक्ट की वजह से चिंगारियां आ सकती है, एक्सप्लोजन हो सकता है, व्हिच इज व्हाई व्हिच वुड बी वेरी वेरी डेंजरस। उसको अवॉइड करने के लिए हम वेट ग्राइंडिंग करते हैं। वेट ग्राइंडिंग में क्या करते हैं, आप फीट के साथ वाटर एंटर कर देते हैं और आपके पास एक मिक्सचर है जिसकी आप ग्राइंडिंग कर रहे हैं ताकि आपकी ये एक्सप्लोजन वगैरह ना हो। तो ड्यूरिंग द वेट ग्राइंडिंग आप बॉल मिल्स को जो है बड़ी स्लोली रोटेट कर रहे होते हैं। सो फॉर वेट ग्राइंडिंग द बॉल मिल इज इवन रोटेटेड मच स्लोअर देन द 65 to 80% ऑफ द क्रिटिकल स्पीड। बॉल मिल्स को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? सबसे जो मेजर उसकी बॉल मिल की एप्लीकेशन है वो सीमेंट इंडस्ट्री में है। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली आपके पास जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होता है उसके अंदर आप क्लिंकर प्रोड्यूस करते हैं, आप क्लिंकर प्रिपेयर करते हैं। तो आपके पास जो है जब क्लिंकर आपके पास तैयार हो जाता है, क्लिंकर एक कंकर की तरह का है, आपके पास बड़ा हार्ड सा हार्ड नहीं होता इतना ज्यादा, क्लिंकर आपके पास सीमेंट का एक्चुअल मटेरियल होता है। इस क्लिंकर को आप फिर बॉल मिल के अंदर पीस कर आप जो है उसका जो पाउडर होता है वो बॉल मिल का वो आपको जो क्लिंकर का पाउडर है वो आपका सीमेंट होता है। तो जो मेजर एप्लीकेशन है इसकी बॉल मिल की सीमेंट इंडस्ट्री में है। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो प्लांट ऑपरेट कर रहे होते हैं बेसिकली वो केमिकल इंजीनियर्स ही सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर प्लांट ऑपरेट कर रहे होते हैं। जो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर के अलावा जो बॉल मिल्स इस्तेमाल की जाती हैं वो उसमें मिनरल ड्रेसिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, पेंट इंडस्ट्री है, पायरोटेक्निक्स इंडस्ट्री है, सिरामिक्स इंडस्ट्री है, या सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग इंडस्ट्री है, जहां पर आप इन प्रोसेसेस के अंदर आप जो है यूज कर रहे हैं बॉल मिल्स को। इन प्रोसेसेस के अंदर जो है आप बेसिकली ग्राइंडिंग या मिक्सिंग करने के लिए जो है आप बॉल मिल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, ये मिनरल ड्रेसिंग प्रोसेसेस क्या हैं, जरा इनको देखते हैं। बेसिकली ये जो मिनरल ड्रेसिंग प्रोसेसेस हैं, दीज आर द प्रोसेसेस इन विच वी सेपरेट कमर्शियल वैल्यूएबल मिनरल्स फ्रॉम देयर ओर्स। तो आपके पास क्या है कि आपके पास जो ओर्स जो मादनियां जमीन से निकल रही होती हैं उनमें बहुत ज्यादा गैंग मटेरियल जो होता है, केमिस्ट्री वगैरह में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, जो अनवांटेड मटेरियल होता है उसको गैंग कहते हैं, और आपके पास जो है वैल्यूएबल मटेरियल भी होगा। तो बेसिकली जो आपने कमर्शियल वैल्यूएबल मिनरल उससे सेपरेट करना है ओर से, उस अमल का नाम मिनरल ड्रेसिंग प्रोसेस है। और जो मिनरल ड्रेसिंग प्रोसेस है इसको एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी के अंदर बहुत वाइडली यूज किया जाता है। अच्छा, अब मिनरल ड्रेसिंग प्रोसेस के अंदर जो आपने देखा है कि बॉल मिल इस्तेमाल हो रही है, बॉल मिल के साथ साथ आपको फर्दर जो है आपको हमारे पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी के यूनिट ऑपरेशन आप लगाते हैं, मसलन कॉम्बिनेशन यानी कि साइज रिडक्शन, साइजिंग कर रहे होंगे यानी कि सेपरेशन कर रहे होंगे, कंसंट्रेशन कर रहे होंगे, ग्रेविटी कंसंट्रेशन कर रहे होंगे, फ्रॉथ फ्लोटेशन कर रहे होंगे। फ्रॉथ वो होता है कि जब आपकी गैंग जो मटेरियल है वो आप किसी मटेरियल के साथ मिक्स करके गुड़ बनाते हैं, जब गुड़ बनाने के अमल के अंदर आपके पास जो उसकी मैल होती है गन्ने की वो टॉप पर आ जाती है, जिस मैल को सोडे की मदद से आप अलग कर लेते हैं और आपके पास जो बाकी रस मिल जाता है वो आपका साफ सुथरा रस वो शक्कर में तकसीम जो है वो उसको आप तब्दील कर लेते हैं। इसी तरह आप इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, ऑटोमेटेड ओर सॉर्टिंग
और डीवॉटरिंग, ये वो मैकेनिज्म्स हैं जो एक्सटेंसिवली हम यूज कर रहे होते हैं आप एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी प्रोसेसेस के अंदर, और जो मिनरल ड्रेसिंग प्रोसेस है उसके अंदर आप बॉल मिल्स को यूज कर रहे होंगे। पेंट इंडस्ट्री के अंदर आपके पास पिगमेंट्स होते हैं, जिन पिगमेंट्स को ग्राइंड करके आप कलर वगैरह आप हासिल करते हैं, तो वहां पर आप जो पिगमेंट्स की ग्राइंडिंग है उसको आप जो है बॉल मिल्स के अंदर कर रहे हैं। फिर जो पायरोटेक्निक्स हैं, बेसिकली ये आपके जो पटाखे होते हैं उनको पायरोटेक्निक्स कहा जाता है। तो पटाखों के लिए जो आप उसके लिए आपके पास जो मटेरियल है, बेसिकली जो आपका उसका एक्चुअल मटेरियल है वो पाउडर मटेरियल होता है, और उस पाउडर मटेरियल को तैयार करने के लिए आप बॉल मिल्स को यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि पायरोटेक्निक्स एक्सप्लोसिव हो सकती हैं, उसके लिए फिर आप वेट ग्राइंडिंग यूज करेंगे, होगी बॉल मिल लेकिन वो ड्राई ग्राइंडिंग नहीं होगी बल्कि वो वेट ग्राइंडिंग होगी। सिरामिक्स जो होते हैं आपके पास, सिरामिक्स मटेरियल्स के अंदर आप सिरामिक पाउडर्स बनाएंगे, जिस पाउडर की मदद से फर्दर आप जो क्रॉकरी है आप सिरामिक की बनी हुई जो प्लेट्स वगैरह जो आपके पास डिनर सेट वगैरह हैं, आपके पास कप्स वगैरह हैं, तो सिरामिक की और जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, तो उन सिरामिक की टाइल्स वगैरह जो बनाई जाती हैं कुछ इस तरह की सिरामिक मटेरियल से, वो आप उसकी पाउडर जो आप हासिल करते हैं वो पाउडर बनाना आप उसको बॉल मिल में बनाते हैं। वन अनदर मेजर ऑपरेशन एंड एप्लीकेशन फॉर द बॉल मिल इज इन सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग क्या है, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको सिंटरिंग प्रोसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। सिंटरिंग प्रोसेस जो है एक जो है कॉम्पैक्टिंग प्रोसेस है। आपके पास बेसिकली क्या होता है कि आपके पास कोई पाउडर्ड मटेरियल होंगे, दो मटेरियल होंगे, पाउडर मटेरियल होंगे या एक मटेरियल भी हो सकता है। आप उस पाउडर मटेरियल को जब आप कॉम्पैक्ट करते हैं अंडर हीट एंड प्रेशर, जब आप उसको कॉम्पैक्ट करते हैं अंडर हीट एंड प्रेशर, तो दिस पाउडर्ड मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू अ सॉलिड मास ऑफ मटेरियल। आप उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हैं प्रेशर, उसको दबा रहे हैं हीट और प्रेशर की मदद से, और उसको दबाते रहते हैं हत्ता कि आपके पास एक पॉइंट ऑफ लिक्विफैक्शन आ जाता है जस्ट बिफोर द मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि अगर आप मजीद उसको अंडर हीट एंड प्रेशर उसको अगर कॉम्पैक्ट करेंगे तो वो लिक्विफाई हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। इस मेल्टिंग पॉइंट से पहले तक आप जो पाउडर्स को जब ये प्रोसेस करते हैं तो वो पाउडर्स जो है आपको एक सॉलिड मास ऑफ मटेरियल देते हैं जिसको हम सिंटर कहते हैं। सिंटर को आप डिटेल से जो है आप जो ग्रेनुलेशन और एग्लोमरेशन का जो प्रोसेस है इसको भी हम पढ़ेंगे। तो सिंटर आपको समझ आ गई होगी कि आपके पास पाउडर है, उस पाउडर को आपने अंडर हीट एंड प्रेशर उसको कॉम्पैक्ट किया है, एंड यू कॉन्टिन्यूसली कॉम्पैक्टेड टिल बिफोर इट मेल्ट्स, यानी कि लिक्विफैक्शन पॉइंट तक आप उसको पहले पहले तक आप करते हैं कि आप उसको फिर एक सॉलिड मैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये है सिंटर। और जो सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग है, बेसिकली दिस इज अ 3D मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। 3D मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है कि जिन बच्चों को नहीं पता, जैसे आप फोटोकॉपी मशीन के अंदर आपने कोई तो पेज है, कोई चीज है जिसकी फोटोकॉपी करनी होती है, वो पेज पर उसकी तस्वीर आ जाती है। तो बेसिकली जो 3D प्रिंटर्स हैं ये भी फोटोकॉपी मशीनों की एक किस्म है, लेकिन इसके अंदर आप कोई फोटोकॉपी पेपर में नहीं बना रहे होते बल्कि आप एक्चुअल मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो आपका जो 3D प्रिंटर है वो अटैच होता है कंप्यूटर के साथ, और आपके कंप्यूटर में एक 3D मॉडल मौजूद होगा। वो जो 3D मॉडल आपके पास, लेट्स से आपके पास पेजकस है, अब पेजकस की आपने जो है उसका 3D प्रिंट बनाना है, तो क्या करेंगे, आपके पास जो पेजकस है वो पेजकस बेसिकली उसका जो 3D मॉडल होगा वो आपके पास उस पेजकस का वो कंप्यूटर में मौजूद होगा, आपका प्रिंटर साथ में चलाएगा, और आप कुछ रॉ मटेरियल, कुछ पाउडर दे देंगे, कुछ रॉ मटेरियल पाउडर दे देंगे जो कि आप जिसको आप पेजकस में कन्वर्ट कर रहे होंगे। तो होगा क्या, वो जो मॉडल है वो मॉडल के अंदर आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स दिए होंगे, वो जो पॉइंट्स होंगे जो कि इस ग्लास को शो कर रहे होंगे। तो बेसिकली जो लेजर है वो आप उसको पावर सोर्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। वो जो लेजर है वो सिंटरिंग के लिए हीट प्रोड्यूस कर रही होगी और प्रेशर भी प्रोड्यूस कर रही होगी। उसके बाद आपके पास वो जो एक जो पाउडर आपने फीड डाली होगी
उसकी मदद से आपको नॉर्मली क्या है कि आप जो पाउडर डालते हैं नाइलॉन या पॉलीएमाइड आपने डाला होगा और उसकी मदद से आपके पास एक सेंटर पाउडर्ड जो है वो आपका मटेरियल आपका मिल जाएगा, आपको प्लास आपको मिल जाएगा। ये प्रोसेस है हमारे पास जो है सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग का। तो सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग इज अ काइंड ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिसको आप जो है हम 3D प्रिंटिंग कहते हैं और इसके अंदर आपने एक 3D मॉडल यूज किया हुआ है और 3D मॉडल के अंदर जो पॉइंट्स इन स्पेस डिफाइन है इन पॉइंट्स इन स्पेस के अंदर आपके पास जो पाउडर मटेरियल दिया हो गिवन होगा नायलॉन या पॉलीएमाइड उसको आप लेजर की मदद से एक सिंटर पाउडर्ड मटेरियल जो है सॉलिड मटेरियल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपके पास सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग है। इस सिलेक्टिव लेजर सिंटरिंग के अंदर मैंने जो पाउडर मटेरियल आपको बताया ये पाउडर मटेरियल बेसिकली आप बॉल मिल के जरिए बनाएंगे। बेटा ये एक कॉनिकल बॉल मिल की एग्जांपल है, एक तस्वीर है मैंने आपसे शेयर की है। आप देख सकते हैं कि ये इनलेट है ये आउटलेट है। आपको याद होगा जो कोन्स का जिक्र किया होगा, ये देखिए ये इनलेट कोन है ये आउटलेट कोन है। तो इनलेट जो कोन है उसमें वो 60 डिग्री पर एंटर होता है, तो ये कोन 60 डिग्री कोन है, ये 30 डिग्री आउटलेट से वो 30 डिग्री कोन से वो निकल जाता है आपके पास। ये 60 डिग्री कोन ये 30 डिग्री कोन आपका जो डिस्चार्ज थी वो मेंशन किया हुआ था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास टू डिफरेंट काइंड ऑफ बॉल्स हैं, लार्ज बॉल्स और स्मॉल बॉल्स। ये एक स्क्रीन लगी हुई है, ग्रेट लगी हुई है। बेसिकली क्या फंक्शन है कि आप अपनी बॉल्स आप अपनी बॉल मिल के अंदर एंटर कर देते हैं, फीड आप अपनी बॉल मिल के अंदर आप एंटर कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे ट्राली जिसपे रेत आप लेके जा रहे होते हैं तो वो ट्राली हाइड्रोलिकली उसको लिफ्ट किया जाता है और रेत ऑटोमेटिकली सारी की सारी गिर जाती है। इसी तरह बॉल मिल को भी जो है आप हाइड्रोलिकली इसको लिफ्ट करेंगे, इसको उठाएंगे बॉल मिल को। बॉल मिल के उठाने की वजह से आपकी जो बॉल जो आपकी बॉल्स हैं वो इस ग्रेड या जाली पर रुक जाएंगी और जो आपका सॉलिड है जो आपका प्रोडक्ट है वो इस जाली या कॉनिकल ग्रेड में से गुजर के पास कर जाएगा। यहाँ से आपको प्रोडक्ट आउटलेट जिसको आउटलेट भी कहा गया आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये है कॉनिकल बॉल मिल का ऑपरेशन की एक तस्वीर मैंने आपके साथ शेयर की है। इसमें देखिए कि ये जो था बेसिकली मैं बताना भूल गया कि ये आपका शेल है, आउटर शेल है जिसकी बात कर रहे हैं और ये शेल कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रहा है, ये शेल कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रहा है इस ड्राइव गियर की मदद से, ये रोटेट कर रहा है आपके पास ये शेल। बेटा मैंने आपके साथ कुछ वीडियोज हैं जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियोज दिखाई भी हैं, उसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ ये जो वीडियोज हैं इसके जो लिंक्स हैं LMS पर और OCW पर मैंने आप लोगों के ये लिंक्स शेयर किए हुए हैं। बेटा प्लीज यूज दिस लिंक्स टू वॉच दिस एनिमेशन वीडियोज टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑपरेशनल प्रिंसिपल्स बिहाइंड द वर्किंग ऑफ बॉल मिल्स, ताकि आपको बॉल मिल्स की समझ आ जाए कि ये बॉल मिल्स किस तरीके से ऑपरेट होती है। ये बेटा एक छोटी सी एनिमेशन देखिए, आपके पास क्या है कि ये शेल है, ये शेल है जो कि कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रहा है। इस शेल की रोटेशन की वजह से आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिल रही है। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये आपकी जो बॉल्स है इन बॉल्स को कॉन्टेक्ट में ले आती है शेल के या बॉल ऑफ द बॉल मिल के साथ कॉन्टेक्ट में ले आती है। अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इनिशियली ज्यादा होगी जब आपके पास इस पॉइंट पर आकर जब आपके पास बॉल्स की जो वेट फोर्स है यानी कि F=mg जब ज्यादा हो जाएगी आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है, बॉल्स नीचे गिरेंगी। जब ये बॉल्स नीचे गिरती हैं तो ये इंपैक्ट क्रिएट करती हैं, ये इंपैक्ट जोन है जहां पे मैक्सिमम साइज रिडक्शन हो रही होगी। इंपैक्ट के नतीजे में ये जो सॉलिड फीड है इसकी फ्रेगमेंट्स बनती हैं, ये जो फ्रेगमेंट्स बनती हैं ये फ्रेगमेंट्स फर्दर फिर इन फ्रेगमेंट्स को आप जो है ये रोलिंग या ग्राइंडिंग की मदद से ये जो बॉल्स की रोलिंग या ग्राइंडिंग हो रही है ये फर्दर साइज इसकी रिडक्शन होती है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। क्या होगा कि आपके पास जो बॉल्स हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आपके ये दे बिकम इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल ऑफ द बॉल मिल एंड देन दे कवर
the maximum distance almost to the top of the ball mill, और इस मैक्सिमम डिस्टेंस से फिर इनका कॉन्टैक्ट ब्रेक होता है, ये नीचे गिरती हैं, साइज रिडक्शन करती हैं, दोबारा ये कॉन्टैक्ट में आ जाती हैं, ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। दिस इज द मेन ऑपरेशनल मैकेनिज्म ऑफ द बॉल मिल। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट हम सिमुलेशन देखते हैं, ये सिमुलेशन एक जर्मन यूनिवर्सिटी ने इस सिमुलेशन को प्रिपेयर किया था रिसर्च करके। हमारे पास एक बॉल मिल है, उस बॉल मिल के शेल का जो डायमीटर है 150 mm है, और उसके अलावा उसकी जो बॉल्स हैं उसके अंदर उनका जो डायमीटर जो है वो 10 mm डाय की बॉल्स हैं। लेंथ ऑफ दिस बॉल मिल इज 110 मिलीमीटर। जो मटेरियल हम उसको यूज कर रहे हैं ग्राइंडिंग के लिए वो ग्लास है। अब आप ये देखिए कि क्या हुआ कि आपके पास जब ये बॉल मिल चली तो आपके पास ये पाउडर में कन्वर्ट होती गई। हमने इस बॉल मिल को क्रिटिकल स्पीड से बड़े कम चला रहे हैं। अच्छा, अब मैंने इस बॉल मिल की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है, इसको कहा है आपके पास, और अब आपके पास इसको स्लो मोशन में जरा देखिएगा कि आपके पास ये बॉल मिल किस तरह ऑपरेट कर रही है। ये देखिए, टॉप से बॉल मिल रोटेट करते हुए टॉप पे पहुंची, बॉल्स गिरी, और ये सारी लार्ज डायमीटर की जो बॉल्स है दे विल कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस व्हाइल द स्मॉल बॉल्स विल जस्ट रोल ओवर। वो रोल करती रहेंगी, ये बॉल्स गिर रही हैं, और उसके बाद जो मैक्सिमम साइज रिडक्शन हुई थी उस मैक्सिमम साइज रिडक्शन के बाद ये जो आपकी फर्दर आपकी ग्राइंडिंग हो रही है वो स्लिपिंग और रोलिंग की वजह से आपकी फर्दर ग्राइंडिंग हो रही है। एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा फॉर द टाइम विच फॉर विच यू आर डूइंग द ग्राइंडिंग। तो आप एक टाइम के लिए ये ग्राइंडिंग करते हैं। ये देखिए अगर टॉप पर किस तरीके से लार्जर जो बॉल्स हैं ये टॉप तक डिस्टेंस कवर करती हैं और टॉप से फिर ये बॉटम पे गिरती हैं। टॉप तक उन्होंने डिस्टेंस गिवर गया, इनके साथ कोई स्मॉल बॉल्स नहीं है, ये टॉप से डिस्टेंस गिवर गया, और ये जिस एरिया में गिर रही है वो आपका इम्पैक्ट जोन है। जो मैक्सिमम साइज रिडक्शन हो रही है वो इस इम्पैक्ट जोन में हो रही है, और वहां आपके जो सॉलिड्स हैं वो इनिशियली ब्रेकअप हो रहा है उनका फ्रेगमेंट्स के अंदर। ये जो आपको एनिमेशन दिखाई है इसमें सिर्फ बॉल्स हैं, इसमें आपकी कोई फीड मटेरियल मौजूद नहीं था ताकि आप देख सकें बॉल्स किस तरह कर रही हैं। फर्दर इसके अंदर हम देखते हैं कि जब ये इसी के अंदर हमारे पास 1 to 2 mm क्या आपके पास फीड है, ये देखिए बॉल मिल्स क्या कर रही हैं कि आपके पास फीड है, ये टॉप से जाकर ये इम्पैक्ट हुआ, और उसके बाद इस एरिया में ये आपका इम्पैक्ट जोन है, और आपके पास फर्दर जो साइज रिडक्शन हो रही है यहाँ पर इस एरिया में वो ग्राइंडिंग और स्लिपिंग की वजह से हो रही है। इनिशियली आपके सॉलिड्स जो है उनका ब्रेकअप होगा इनटू फ्रेगमेंट्स, स्मॉल फ्रेगमेंट्स, एंड दीज फ्रेगमेंट्स विल बी फर्दर, ये देखिए ये फ्रेगमेंट्स बन रही हैं, एंड दीज फ्रेगमेंट्स विल बी फर्दर रिड्यूस्ड टू पाउडर। अच्छा, आप क्या किया कि थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ाई है तो आप देख रहे हैं कि उसके जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, एंड द इंक्रीज ऑफ द इम्पैक्ट, उसके बाद फर्दर जो आपकी साइज रिडक्शन है जा रहा है, आपकी जो बॉल्स और आपकी जो ग्राइंडिंग जो आप मटेरियल है वो सारा आपका बॉल मिल के शेल के अंदर ही मौजूद होता है। अच्छा, अब जरा हम देख रहे हैं कि क्रिटिकल स्पीड पर क्या होगा। ये जरा देखिएगा कि आपके पास जो है हम जरा देखना चाहते हैं कि अभी भी हमारे पास क्रिटिकल स्पीड नहीं है बेसिकली, तो आपके पास क्या है कि जो बॉल्स हैं ये बॉल्स एक मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रही हैं। ये जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे कवर कर रही हैं तो कवर करने के बाद ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो इन्होंने कवर किया है आप देख सकते हैं इनिशियली ब्रेकिंग हुई, और ब्रेकिंग करने के बाद जो फ्रेगमेंट्स बनी हैं वो फ्रेगमेंट्स जो है उनकी साइज रिडक्शन हो रही है, उन फ्रेगमेंट्स को फर्दर स्लिपिंग और रोलिंग की मदद से उनकी साइज रिडक्शन हो रही है, और आपका शेल कंटिन्यूअसली रोटेट करता जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये जो फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं, these fragments are due to the initial impact of the balls when they break contact with the wall of the mill. These balls drop from a maximum height into the impact zone where the feed material is present, and this feed material is reduced into small fragment, and due to the further rolling and slipping of the balls these fragments are further reduced into powder. तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास
जो स्लिपिंग और जो रोलिंग हो रही है, जिसकी मदद से हमारे पास ये ग्राइंडिंग का प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। फर्दर हम आगे देखते हैं कि आपके पास किस तरीके से अगर हम स्पीड ऑफ द बॉल मिल फर्दर इंक्रीज कर लें, देखते हैं कि आपके पास 0 से 0.3 मिलीमीटर हमारे पास पाउडर है उसकी उस वक्त हो चुका है, यानी कि फर्दर ये प्रोसेस इनिशियल ग्राइंडिंग के बाद ये प्रोसेस हो चुका था, और इस प्रोसेस के बाद अब आप इसको कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि अब आपके पास प्रोडक्ट जो है पाउडर में तकरीबन बन चुका है, और बॉल टॉप से किस तरीके से बॉटम में गिर रही है, ये इंपैक्ट जोन में गिरती है, फर्दर साइज रिडक्शन होगी, फिर मजीद साइज रिडक्शन, स्लिपिंग और रोलिंग, ये प्रोसेस चलता रहता है। किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस मूव कर रहा है कि आप देख सकते हैं कि अच्छा, अब हमारे पास फर्दर हम लोगों ने इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी बढ़ाई है, तो स्पीड बढ़ाने की मदद से आप देखें कि जो बॉल्स हैं वो बॉल्स फर्दर जो है आपके पास जो है वो हाईएस्ट डिस्टेंस कवर कर रही हैं, ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही हैं, और इस वक्त आपकी जो कैपेसिटी है आपने 100% कैपेसिटी फिल की हुई है आपके पास जो पाउडर है, क्योंकि आपको पता है जैसे गंदम आप अगर पीस दें तो गंदम पीसी भी गंदम ज्यादा जो है जगह घिरती है, तो क्योंकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो चुका होता है। अब क्रिटिकल स्पीड देखनी है, अनवांटेड स्पीड देखनी है, जिस पर आपके पास अनवांटेड स्पीड है जो हमें नहीं चाहिए। ये देखिए क्रिटिकल स्पीड है, तो क्या हो रहा है कि आपके पास ये बॉल्स जो है वो शेल के साथ साथ रोटेट कर रही है, वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, जहां पे थोड़ी बहुत बॉल्स गिर भी रही है वहां पे कोई मटेरियल मौजूद नहीं है, मटेरियल एंड द बॉल्स आर इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल ऑफ द मिल एंड दे आर ऑल्सो रोटेटिंग विद द शेल ऑफ द मिल। ये अनवांटेड मैकेनिज्म है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूजिंग। सेंट्रीफ्यूजिंग हो रही है एंड द स्पीड एट विच द सेंट्रीफ्यूजिंग इज टेकिंग प्लेस इज द क्रिटिकल स्पीड। वी डोंट वॉन्ट क्रिटिकल स्पीड, वी नीड 60 to 80% ऑफ द क्रिटिकल स्पीड। दिस इज नाउ द 65 to 80% ऑफ द क्रिटिकल स्पीड पे हम ऑपरेट कर रहे हैं। दिस इज द एक्चुअल ऑपरेशनल स्पीड विच वी नीड फॉर प्रॉपर ऑपरेशन। आप इस ऑपरेशन पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारे पास ये साइज एक्शन हो रही थी। बैक टू द लेक्चर, बेटा प्लीज गो थ्रू दिस वीडियोस, या आप वीडियोस डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैंने लिंक्स आपसे शेयर कर दी है ये दोनों आपके साथ एनिमेशन और वीडियो, ताकि आपको समझ आ सके कि प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है। अच्छा आप ये देखें, मैं जो आपको सीमेंट मिल की बात कर रहा था कि सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो क्लिंकर को आप पाउडर में जो कन्वर्ट करते हैं सीमेंट में बनाते हैं, वो इस किस्म की सीमेंट मिल से आप बनाते हैं। ये सीमेंट मिल क्या कैसे, इसकी तस्वीर देखिए, एक आपके सामने डायग्राम है वो शो की भी है कि बेसिकली क्या है कि आपके पास दो आपके पास चैम्बर्स हैं, फर्स्ट चैम्बर और फिर सेकंड चैम्बर। इसमें देखिए कि ये आपके पास शेल है, और उसके बाद ये इंटरनली आप ये देख सकते हैं आप लाइनर प्लेट्स लगी हुई है, ये लाइनिंग मटेरियल है, सो दैट आवर शेल इज कैन बी सेव्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव एक्शन ऑफ द बॉल्स, ताकि शेल की जो लाइफ है वो लॉन्ग हो, आपके पास जो शेल है उसकी साइज रखना शुरू हो जाए, तो आप उसकी इंटरनली लाइनिंग है, ये सस्ती होती है, ताकि आप जब आपकी लाइनिंग खराब हो जाए आप इस लाइनिंग को रिमूव कर सकते हैं। तो आपके पास चैम्बर है, फर्स्ट चैम्बर के अंदर आपके पास लार्ज बॉल्स हैं और सेकंड चैम्बर के अंदर आपके पास स्मॉल बॉल्स हैं। ये आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट एक डायाफ्राम, एक आपके पास जाली लगी हुई है, ये जाली क्या करेगी, ये बॉल्स को रोक लेगी और सीमेंट जो आपका इनिशियली ग्राइंड हुआ होगा वो आगे जाने देगी। फर्दर आपके पास आउटलेट के ऊपर जो डायाफ्राम लगी हुई है वो स्मॉल बॉल्स को रोक लेगी और पाउडर्स को वो जाने देगी। उसके बाद आपके पास ये जो प्रोडक्ट पाउडर है वो आपका निकल जाएगा। अच्छा देखिएगा जरा, ये टॉप से इस तरीके से आप क्लिंकर आप फीड कर रहे हैं, बॉल्स आपकी मौजूद थी, क्लिंकर जिसको आप पाउडर सीमेंट में बना रहे हैं वो टॉप कह रहे हैं, और साथ साथ एयर भी दे रहे हैं। एयर आप इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका जो सीमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी वजह से आपकी वो जो इंटरमीडिएट जो डायाफ्राम है उसके अंदर कोई ब्लॉकेज ना आ जाए, और आपके पास जो ये सीमेंट है ये कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहे। तो आप जो एयर दे रहे हैं बेसिकली वो एयर आपके पास यहाँ पे आउट हो जाएगी, सिर्फ सीमेंट को वो फ्लो कराने में आसानी से खाली एयर आपकी आउट हो जाएगी और जो सीमेंट है उसको आप इस तरीके से वो हासिल कर लेंगे। सो दिस वॉज द ऑपरेशन ऑफ द सीमेंट मिल।
बेटा मैंने इसकी भी एक डायग्राम सॉरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, प्लीज वॉच दिस वीडियो। ये देखिए हमारे पास एक सीमेंट मिल है के अंदर आपके पास बॉल मिल लगी हुई है, उसके अंदर इनसाइड जो है उसके दोनों फर्स्ट एंड सेकंड चैम्बर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये रोटेट कर रही है और आप इसको बैच वाइज रोटेट करा रहे हैं और आप इसे सीमेंट बना रहे हैं। तो नॉर्मली आप इंडस्ट्री में क्या करते हैं, आपके पास स्टैंड बाय मिल्स भी होंगी इंडस्ट्री के अंदर, हमेशा आप एक से ज्यादा चीज लगाते हैं ताकि अगर खुदा ना खास्ता एक मिल अंडर रिपेयर हो, आपका प्रोसेस का रुक जाए तो आप दूसरी मिल पे चले जाएंगे। तो इसको फिर आप इनको जो है इंटरमिटेंटली वक्फे वक्फे से आप इन दोनों को चलाते रहते हैं। तो प्लीज बेटा आप लोगों ने ये वीडियो जरूर देखनी है। एक और बेटा वीडियो है जो है आपके साथ कमर्शियल, एक वीडियो है चाइनीज एक कंपनी है उन्होंने बॉल मिल की एक बनाई हुई है और उसके कमर्शियल वीडियो है ये भी बेटा आपके, मैंने इसका जो लिंक है आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, बेटा आप इसको वीडियो को देख सकते हैं। जरा बफर हो रही है ये वीडियो, लेट मी रिफ्रेश इट। ये बेटा वही लिंक है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए और मैंने उन लिंक्स को अपने पास गूगल ड्राइव पे किया हुआ था। अच्छा देखते हैं जरा, ये विपिक के नाम से हमारे पास एक चाइनीज कंपनी है। अच्छा ये देखिए ये उनकी बॉल मिल है, उसका एक्सटर्नल शेल है, किस तरीके से ये मोटर की मदद से ये आपके पास जो है रोटेट कर रही है ये बॉल मिल। और अभी हम इंटरनली देखेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर आपके पास बॉल मिल के अंदर शेल के अंदर आपके पास इंटरनल शेल के अंदर इसका मैकेनिज्म है। ये हमारे पास आपके पास ये इनलेट ये जो है इनको इजीली रिमूव किया जा सकता है। आप इनको रिमूव करके आप जो है ये गियर्स हैं जिसकी मदद से आपकी ये शेल जो है रोटेट किया जा रहा है। ये मोटर है, कपलिंग है मोटर की, कपलिंग, और उसके बाद उन गियर्स की मदद से हम अपने बॉल मिल के शेल को रोटेट करा रहे हैं। खाली जो बॉल मिल का शेल है उस शेल के इंटरनली आप देख सकते हैं कि इनको इन पार्ट्स को इजीली रोटेट उसको रिप्लेस किया जा सकता है, ओपन किया जा सकता है। ये बॉल्स हैं डिफरेंट साइजेस की, आप ये बॉल्स देख सकते हैं किस तरीके से ये रोटेट करती हैं। एंड टू अवॉइड द क्रिटिकल स्पीड सो यू शुड ऑलवेज मेंटेन 65-80% ऑफ द क्रिटिकल स्पीड। अच्छा फिर आपके पास इस तरीके की मदद से आप इसके जो क्लोजिंग वगैरह है वो कर सकते हैं और आपके पास इंटरनली इसके कुछ और कंपोनेंट्स हैं। तो ये इसका ऑपरेशन है, इसका रोटेशन था। ये देखिए कि इसको जस्ट लेट मी गो बैक कपल ऑफ सेकंड्स। ये देखिए कि आपके पास क्या है कि आपने पहले लार्ज बॉल्स एंटर करवा दी, उसके बाद स्मॉल बॉल्स हैं वो भी एंटर करवा दी हैं। तो ऑल दिस बॉल्स आर प्रेजेंट देयर। और उसके बाद आपके जो मोटर ने जब आपके शेल को रोटेट कराना शुरू किया है तो उस रोटेशन की वजह से मटेरियल मौजूद है और ये मटेरियल आपकी साइज रिडक्शन कर रहा है। तो इनिशियल जो लार्जर बॉल्स हैं उनके इम्पैक्ट की वजह से, आपकी जो बॉल्स के इम्पैक्ट की वजह से मटेरियल का साइज रिड्यूस हो रहा है और वो फर्दर जो स्लिपिंग या रोलिंग की वजह से वो फर्दर साइज रिडक्शन हो रही है। एंड दिस ये जो इम्पैक्ट है ये आप देख रहे हैं कि ये जो इम्पैक्ट है दिस इज द इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट है जो वो गिर रही है, ये इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है ग्राइंडिंग मीडियम के अंदर। दिस इम्पैक्ट इज वेरी नेसेसरी, इफ दिस इम्पैक्ट इज नॉट देयर नो साइज रिडक्शन विल टेक प्लेस। अगर आप इसको क्रिटिकल स्पीड पे चला रहे होते जो रोल कर रही होती गिर ना रही होती ये इम्पैक्ट क्रिएट ना हो रहा होता। तो फिर उसके बाद आपके पास जो इस ये कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट की जा रही है, जो प्रोडक्ट था वो आप देख रहे थे किस तरीके से उसको आप फ्लो करा रहे थे कॉन्टिन्यूसली। बेटा ये वीडियो अवेलेबल है, प्लीज go to the link, watch this video so that you can develop understanding about the operation of the ball mill. Ultrafine grinder ke bare mein already hum log apne last lecture mein pad chuke hain, jise revision ke liye maine aapko ye slide dobara laga di hai ki ultrafine grinders ke andar jo aapki feed product mein convert ho rahi hai is due to the attrition. To jo feed size hai uska
एक रिस्ट्रिक्टेड साइज है 6 mm, जो प्रोडक्ट साइज होगा वो 1 to 50 माइक्रोमीटर तक होगा। जो कटर्स हैं उसमें आप लोग जान चुके हैं कि डाइसर्स हैं, स्लिटर्स हैं, ये टिपिकल कटर्स हैं, और जो प्रोडक्ट साइज होता है इट्स ऑलमोस्ट 2 to 10 माइक्रोमीटर्स, सॉरी 2 to 10 मीटर्स, मिलीमीटर्स, 2 to 10 मिलीमीटर्स। ये रिकमेंडेड बुक्स है बेटा, होपफुली आप लोग डाउनलोड कर चुके होंगे। टू लर्न मोर अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल यू शुड रीड द बुक्स। If you have any questions, please write me an email at asim.ali@kfuei.edu.tk or मुझे WhatsApp message कीजिए, या हम जो अपना live session करेंगे उस live session में आपके पास ये सवालात का मौका होगा। Please watch my video first, then go through these slides available on your LMS and OCW, then come, then please जो है आप लोग मेरा जो लाइव सेशन है उसको अटेंड कीजिए, इंशाल्लाह जो है आप जो है इस टॉपिक्स को समझ सकेंगे। थैंक यू जी, आज का लेक्चर यहीं तक है, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है लाइव सेशन में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।